पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से या किसी न्यायाधीश से कराओ। यदि ऐसा जांच नहीं करेंगे तो मैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठू। पप्पू यादव पर फिरौती का मामला दर्ज हो गया है। आपको हम बता दें कि पप्पू यादव पर एलिगेशन लगाया गया है कि पप्पू यादव 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगे हैं और जान से मारने की धमकी दिए हैं। तो आपको हम बता दें, पप्पू यादव ने भी एक वीडियो जारी करके उस पर प्रतिक्रिया दी है और बता रहे हैं कि हमने एसपी साहब से निष्पक्ष तरीके से जांच करने की बात कही है और उस व्यक्ति के कॉल डिटेल्स को चेक किया जाए। पप्पू यादव का यह गंभीर आरोप है कि हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जिस व्यक्ति से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जिसके बारे में हमें कुछ विशेष जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति हम पर एलिगेशन लगाता है और बिहार पुलिस उस पर एक्शन लेती है और हमारे ऊपर FIR कर देती है। उन्होंने FIR करने की भी बात कही है, वो मानहानि के केस भी दर्ज करवाएंगे। तो सुनिए पहले पप्पू यादव किस प्रकार से बता रहे हैं उनको झूठे FIR में फंसाने की कोशिश की जा रही है। की कोई बातचीत हुई हो, मधेपुरा के हैं और उन पर ये केस करते हुए कि पप्पू यादव जी के आदमी है, 2021 में यह भगत का जिक्र कर रहे थे कि 6 महीना हमसे कोई पैसा मांगा, हम 6 महीने का टाइम लिए। ये वो भगत है जो GD गोयनका के मालिक पर भी केस किया था। इन्होंने बदतमीजी की थी उनके बच्चे उन पे। ये एक ज्योतिष पर उन्होंने केस किया, गाली गलौज की, माँ बहन लगा के बहुत ज़्यादा ब्राह्मण समाज को गाली दिया। उन्होंने भी इन पर केस किया। ये पूर्णिमा ग्रुप के मालिक के 70 लाख रुपया रखे हुए हैं। शायद ये वही भगत है जो एक फॉरेस्टर को 20,000 रुपया देकर के गिरफ्तार करवाया था। यह एक विवादास्पद इंसान जो कई तरह के स्मगलिंग करते हैं। मैं लॉयर को कहा हूं कि इन पर मानहानि का मुकदमा की तैयारी की जाए। और मुझे एक बात आश्चर्य लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, जिससे कोई बातचीत नहीं 4-5 सालों में, और मैं जानता भी नहीं कि कौन है ये व्यक्ति, और तुरंत FIR करके पुलिस के इस पर चढ़ा देना, यह पॉलिटिकल साजिश के अलावे और क्या हो सकती है। इसके पूरे मोबाइल की जांच किए, किस किस से बात करता है, किस किस से मिलता है, कहां कहां बैठता है, और इसका पूरा ब्लड ग्रुप की जांच हो। यह डेली दारू पी करके लोगों से लड़ता है, झगड़ा करता है डेली, प्रत्येक दिन। इनकी नित्य क्रिया है दारू पीना और लोगों से झगड़ा करना। सिंहेश्वर, ये मधेपुरा के सौगर के रहने वाले हैं शायद, और मैंने कहा है कि इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से या किसी न्यायाधीश से कराओ। यदि ऐसा जांच नहीं करेंगे तो मैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठूंगा। कल मैं पूर्णिया आ रहा हूँ। मैंने SP साहब से 4 बार फोन करके कह दिया है कि आप बिना जांच किए किस प्रकार से, ऐसे कैसे आप तुरंत इसको अपलोड कर दिए, इसके पीछे क्या गहरी साजिश है। चलिए कोई बात नहीं, मेरा आग्रह है आप सबसे कि अंदाजा कीजिए। कल मैं प्रियंका गांधी जी से मिला, कल मैं खड़गे जी से मिला, और लगातार दिल्ली में मैं राजनीतिक गतिविधि में हूँ, और उसके बाद शाम में इस तरह की साजिश, ये आप सबको देखना है। मैं सिर्फ इस व्यक्ति के सारे कुकर्म का, ये किससे किससे पैसा लिया है, किस किस को धमकी देता है, किस पर किस पे केस किया है, और बेलोड़ी में इसके क्या क्या कुकर्म हैं, इसकी पूरी जांच SP साहब, DIG साहब करें और पूरी इंक्वायरी करें। 2 दिन के अंदर इस पे मुकदमा करूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं धरना पर बैठूंगा।
तो आपने सुना पप्पू यादव किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं। जिस आदमी ने उन पर FIR किया है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि उसका यही काम है लोगों पर FIR करता है और झूठे मुकदमे में फंसा करके मोटी रकम बैठता है। वो शराबी है और तमाम तरह के जो आरोप है पप्पू यादव उस पर लगा रहे हैं। तो अब देखना होगा, पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और इसमें कौन दोषी पाए जाते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।